और एक नोटिफिकेशन आया है, ओवर 1000 वैकेंसीज है, लेकिन वो बैंक में जॉब है। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर फॉर्म भरे नहीं भरे। तो भाई साहब, अगर आप इंजीनियर हो तो आप बैंक में नौकरी कर सकते हो। कुछ पोस्ट तो ऐसे हैं जो बीटेक वालों के लिए है। तो सारा कुछ डिटेल से हम बात करेंगे, सैलरी डिटेल से हम बात करेंगे। सैलरी मैं अभी बता देता हूँ आपको, लगभग स्टार्टिंग सैलरी इन हैंड आपका 38-40,000 के आसपास मिलता है। काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट है, और आपको पता है बैंक में कितना सिक्योरिटी रहता है, राइट। ये सारा चीज़ तो बढ़िया है। तो सारा डिटेल्स में जानने के लिए हमें क्या करना है, हमें स्क्रीन पर जाना होगा, जो नोटिफिकेशन IPS की तरफ से आया हुआ है, तभी हमें पता लगेगा। तो बिफोर गोइंग टू स्क्रीन आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों का जरूर शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकन प्रेस करना है। और एक बात, इसमें परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होता है जो नोटिफिकेशन में है, राइट। फर्दर जब इंटरव्यू होगा, क्या प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, उसमें थोड़ा मैटर करेगा, बट इतना ज़्यादा नहीं, राइट। चलो मिलते हैं, वहाँ पर चलते हैं आपका स्क्रीन पर, उसमें बात करेंगे। तो गाइज, वेलकम टू द स्क्रीन। यहाँ पर हम बात करेंगे, पूरा डिटेल्स में बताया था मैंने आपको। सो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, कि एक्चुअली है क्या ये, मतलब IPS का जो आया हुआ है वैकेंसी वो किसका है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का वैकेंसी है, राइट। फॉर्म कहाँ से भरना है आपको भी बता देता हूँ। आपको फॉर्म भरने के लिए एक लिंक मैं दे दूँगा नीचे, लास्ट में बता दूँगा कहाँ पर क्या क्या है, राइट। बिकॉज मुझे इंपॉर्टेंट डेट्स ही बताना है आपको। सो पहला है IT ऑफिसर, फिर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, फिर राजभवन अधिकारी है, उसके बाद लॉ ऑफिसर है, HR पर्सनल है, मार्केटिंग ऑफिसर है, राइट। सो जो बैंक मतलब MBA कर चुके हैं उनके लिए भी क्या है, इसमें वैकेंसी है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँगा तो ये रहा जी आपका, इससे फॉर्म भरा जाएगा, इसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगा। जो PDF है उसका लिंक भी मैं क्या करूँगा, नीचे डाल दूँगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो इसका स्टार्टिंग डेट कब था, 6 तारीख को था। लास्ट डेट कब है, 26/11 को है, मतलब अभी बहुत टाइम है, आप फॉर्म भर सकते हैं, राइट। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, कि वैकेंसीज किस पोस्ट में क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, एज कितना है, वो सारा चीज़ हम डिटेल्स में देखेंगे। चलो तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, IT ऑफिसर के बारे में। यहाँ पर एज कितना है, 20-30 ईयर्स है, 4 साल का BTEC होना चाहिए आपका। कहाँ से, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ETC, ECE, और इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं इन ब्रांचेस में, आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में ही पोस्ट ग्रेजुएट मतलब MCA कर रखें, तब भी आप IT ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो, राइट। ओके सो अब गाइस बात करते हैं किसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। अगर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में जाना है तो आपको क्या होना चाहिए, BTEC होना चाहिए आपका, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, ये सारे ब्रांचेस हैं। इनके अलावा आप फॉर्म नहीं भर सकते, जिन्हें जो वो बता रखा है वही है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर हमारा क्या है, राजभवन अधिकारी में क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी, और इंग्लिश भी उसके हिसाब का सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट। और आपका अगर संस्कृत है वो इंग्लिश है तब भी चलेगा, ये जो बता रखा है इसके अकॉर्डिंग, राइट। फिर चलते हैं हमारे पास 3 और पोस्ट के लिए, एज दे रखें आप। लॉ ऑफिसर है क्या है, 20-30 ईयर्स, LLB होना चाहिए, और एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल, मतलब बार काउंसिल, एक्चुअली काउंसिल होता है बार काउंसिल, उससे आपको परमिशन मिलता है कि हाँ आपका आप एडवोकेट हो और आप मतलब क्या है आप केसेस ले सकते हो, राइट। HR पर्सनल 20-30 ईयर्स आपका ग्रेजुएट एंड 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट, फुल टाइम मतलब जाके पढ़ना है आपको, राइट। और पोस्ट ग्रेजुएट मतलब क्या, यहाँ पर MBA की बात कर रहा है, बिकॉज HR में बात कर रहा है, सोशल मतलब MBA की बात कर रहा है बेसिकली। अब अगर आते हैं मार्केटिंग ऑफिसर, फिर से MBA मांगेगा, यहाँ पर मुझे पता है मार्केटिंग में होना चाहिए, या फुल टाइम PGDBA, बिकॉज बहुत सारे क्या करते हैं MBA ऑफर नहीं करते हैं, PGDBA, उसके बाद PGDBM, PGD, अब बहुत सारे मतलब अलग अलग नाम से उन चीज़ को ऑफर करते रहते हैं, इसीलिए ये सारा चीज़ नाम दे दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, उसमें मैं क्या बताऊँगा, देखो कौन कौन से बैंक जो हैं इस मतलब नोटिफिकेशन के मतलब इस जॉब्स नोटिफिकेशन में क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सारे बैंक्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतने सारे बैंक्स के हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट वर्जन की ओर। सो हम इंपॉर्टेंट चीज़ देख चुके हैं, अगर मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है फिजिकली तो आप अच्छे से पढ़ें, अगर EWS कैटेगरी में जाना है फिर भी अच्छे से पढ़ें आप, बिकॉज सारा चीज़ पढ़ूंगा काफ़ी टाइम लगेगा। तो हमारे पास 3 स्टेप हैं इसके, क्या है, प्रिलिमरी है, प्रिलिमरी है, उसके बाद मतलब इनिशियल स्टेज है, या फिर प्री बोल सकते हो जिसको शॉर्ट में बोलते हैं प्री है। उसके बाद हमारे पास क्या है, मेंस है, राइट, आप मेंस देख सकते हैं यहाँ पर, मेंस एग्जाम है यहाँ पर।
और लास्ट में हमारे पास क्या इंटरव्यू है, वो तो बात करूंगा, लेकिन पहले बात करते हैं प्री में। देखो प्री हमारे पास दो एग्ज़ाम यहाँ पर है, एक तो आपका लॉ ऑफिसर और राज्य वरिष्ठ अधिकारी के लिए है, उनका क्या है तीन पेपर आएगा इसमें, 150 क्वेश्चन होंगे और आपका 125 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा जी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है, सब में क्या होगा 40-40 मिनट्स का टाइम होगा। आईटी ऑफिसर की बात करूँ, एग्रीकल्चर की बात करूँ, एचआर की बात करूँ, मार्केटिंग की बात करूँ, उनमें तीन सेक्शन है, वही सेम पैटर्न, कोई चेंजेस नहीं है, राइट। थोड़ा सा लेकिन आपका जो थर्ड पेपर होता है उसमें थोड़ा अलग है, राइट, उसमें बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में पूछता है और इस चीज़ में थोड़ा कम पूछता है। तो होपफुली आप अगर थोड़ा बहुत इधर प्रिपरेशन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा बाकी सारा चीज़। आपका मेंस में अगर आईटी ऑफिसर हैं, लॉ फील्ड से बिलोंग करते हैं, एचआर पर्सनल में है, तो सिर्फ आपका प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चन आता है, 60 मार्क्स आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर होगा और ड्यूरेशन कितना रहेगा 45 मिनट्स। तो बैंकिंग एग्जाम में एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है, प्लस स्पीड भी बहुत मैटर करता है, राइट। ओके, तो अब ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्ट किसके लिए होता है आपका, जो आपका राज्य वरिष्ठ अधिकारी में होता है, तो इसमें नंबर क्वेश्चन कितने रहेंगे आपका ऑब्जेक्टिव पर्सनल नॉलेज में, तो 45 क्वेश्चंस रहेगा और डिस्क्रिप्टिव कितना रहेगा, 2 रहेगा। मैक्सिमम कितना 60 मार्क्स है, 30-30 आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। अच्छा, ये दोनों होने के बाद क्या होता है आपका, शॉर्ट लिस्टेड होता है, उसके बाद क्या होता है आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में कितने मार्क्स का होता है आपका, इंटरव्यू होते हैं आपका 100 मार्क्स का, और उसमें 100 मार्क्स में भी पास होना बहुत ज़रूरी है। टोटल मार्क्स कितना होता है इंटरव्यू का, 100 मार्क्स होता है, और उसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जनरल से हैं 40 मार्क्स लाना ही पड़ेगा, एसटीएससी ओबीसी हैं या पीडब्ल्यूडी है तो 35% लाना ही पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगा आगे, फिर मेरिट लिस्ट बनता है, राइट। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। फॉर्म कहाँ से भरेंगे उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। चलो भैया आते हैं एप्लीकेशन फ़ी में। भाई एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, देखो एप्लीकेशन फ़ी आपका, ये तो टाइमिंग है बता रखा हूँ ऑलरेडी, 100 रुपये मिलता लगता किसके लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए, जनरल के लिए क्या है आपका 600 रुपया, और इसमें इंक्लूसिव जीएसटी मतलब इतना ही लगेगा, और थोड़ा बहुत बैंक चार्जेस का कार लगेगा, किसी का 10 रुपया, किसी का 5 रुपया, किसी का कुछ 2 रुपया ऐसे लगता है, सबका अलग अलग रहता है, वो अपना अपना बैंक का फंडा होता है भाई, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, राइट। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ये सारा चीज़ डिटेल्स हमारा हो गया है, हम जा सकते हैं फ्रंट पेज पर जो मैं बात करूँगा, राइट। अब देखो गाइज, बहुत सारे बोलेंगे इंजीनियरिंग क्यों करा अगर बैंक में नौकरी करना है, इफ़ यू बिलोंग टू इंजीनियरिंग कैटेगरी, सो मैं गाइज बता दूं, ये आईटी ऑफिसर जो है ना यहाँ पर, ये इंजीनियर के लिए है, ये दो ब्रांच जो है, दो फील्ड जो है इंजीनियर के लिए है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप फॉर्म भरो, राइट। बहुत सारे बीटेक बाद एमबीए भी करते हैं उनके लिए भी है, तो गाइज फॉर्म भरने में कोई हर्ज नहीं है, फॉर्म भरो अच्छे से, और इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ प्लस कहाँ से फॉर्म भरेंगे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना आए फॉर्म भरने में। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों का जरूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियो को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, गेट सक्सेस सून, बाय बाय।